आज मैं आप लोगों के लिए आलू रोल का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये काफी क्रिस्पी होता है और टेस्टी तो होता ही है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। बस प्लेट में रखने पर की देर है और झट से खत्म हो जाएगा। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आने वाले हैं तो इसे पहले से तैयार करके रख लें और बना के खिलाएं, बहुत ही तारीफ करेंगे। तो चलिए मैं बिना देर किए झटपट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलू रोल बनाने के लिए पहले मैं डो तैयार कर लूँगी, तो उसके लिए मैं देखिए मैदा ली हूँ, नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार। देखिए आधी आधी चम्मच के करीब ये अजवाइन है, इसको ऐसे हाथ से ऐसे रगड़ के डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। सबको मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच के करीब हम रिफाइंड डाल रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको जितना अच्छा से मिक्स करेंगे उतना ही खस्ता मेरा बनेगा। ये देखिए मुट्ठी मेरा बन रहा है ऐसे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका थोड़ा, जैसे इसका डो मुलायम नहीं रखेंगे हम, थोड़ा कड़ा बनाएंगे इसको। देखिए इतना थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। देखिए डो मेरा बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना हार्ड है, बहुत मुलायम नहीं बनाना है, देख सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए ढककर के रेस्ट करने के लिए रखते हैं। अब स्टफिंग की ओर चलते हैं। ये एक पैन में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, ये मेरा गर्म हो गया है। इसमें अब हम प्याज डाल देंगे, 2 मीडियम साइज का प्याज है। चार हरी मिर्च भी डाल देंगे, तीखा अपने टेस्ट के अनुसार। फिर मेरा प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसे भूनना है। इसको फ्लेम को कम कर देंगे। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, देखिए चिली फ्लेक्स है छोटा चम्मच से 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे 1 चम्मच से, मैंगो पाउडर है ये हम 1 चम्मच और डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक स्वाद अनुसार जितना हम आलू में डाल सकते हैं, जितना आलू है उस हिसाब से मिक्स कर लेंगे। हल्दी कलर के लिए देखिए मेरा मसाला भून गया है, इसके खुशबू भी आने लगा है। 5 मीडियम साइज के आलू है, इसको हम उबाल करके मैश लिए हैं, कर देंगे। और गैस का फ्लेम एकदम कम करके रखेंगे, सिम पर। आलू और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, अब गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। इसमें धनिया, हरा धनिया डाल देना, इसको भी मिक्स कर देंगे। देखिए मेरा आलू तैयार हो गया है, स्टफिंग तैयार हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। स्टफिंग मेरा ठंडा हो गया, अब इसको मैं रोल बना ले रही हूँ। देखिए इतना नींबू का साइज के लिए, नींबू से थोड़ा ज्यादा है, इसको इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए इस तरह, इसी तरीके से हम सारा बना लेंगे। देखिए आलू का मैं रोल करके तैयार कर ली हूँ, इसको साइड में रख रहे हैं। देखिए ये छोटा चम्मच से, इस चम्मच से 1.5 चम्मच मैदा लिए हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे। रोल को चिपकाने के लिए ये तैयार कर ले रहे हैं, स्लरी तैयार कर लिए। देखिए डोबरे मेरा सेट हो गया है, एक बार इसको फिर से मसल लेंगे। इसको 2 पार्ट में भाग कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। बड़े साइज में बेलना है इसलिए इसको स्लैब पर ही बेलेंगे।
देखिए बड़े साइज में इसको बेल के तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। एकदम पतला बेल है, देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको क्या कर लेंगे कि एक रोल से ऐसे नाप लेंगे, साइज मिला लेंगे, इसका शेप बना लेंगे ऐसे। शेप बना लिए, उसको काट के तैयार कर लेंगे। हटा लेंगे इसको किनारे से, उसको आटे में मिला देंगे, लपेटते हुए आ जाएंगे। देखिए इस तरह से जो हम स्लरी बनाए इसे चिपका देंगे इसको। इसे छूट अलग नहीं होगा, देखिए इस तरह से इसको चिपका देंगे। आलू को भी इस तरह से दबा दबा के इसको रख लेंगे। अब दूसरा भी बना लेंगे। लास्ट में इसे अच्छे से चिपक जाएगा। और देखिए इसको फिर से आलू को ऐसे रख देंगे जिससे निकले नहीं। देखिए मेरा रिफाइन गर्म हो गया, मैं एक डाल के टेस्ट कर ली हूँ। अब मैं रोल को इसमें डाल दे रही हूँ। इसे टर्न करते रहेंगे। अब फ्लेम को मीडियम करेंगे। कोई भी चीज तलने वाला जो होता है उसको हाई फ्लेम पर नहीं करना है, ये तो ऊपर से पक जाएगा और अंदर वो कच्चा रह जाएगा। ऐसे मीडियम फ्लेम पर करने पर ये क्रिस्पी होता है काफी, और काफी तेज अगर गर्म हो जाए तो फ्लेम को कम कर देंगे। इसको इस दिशा से पलट पलट के तल लेना है। मेरा हो गया है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए मेरा आलू रोल बनके तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी लगता है, शाम के स्नैक्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके यहाँ गेस्ट भी कोई आने वाले हो तो आप इसे पहले से तैयार करके रख लें, बहुत ही पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।